उत्तराखंड में तेज बारिश जारी है। आज तड़के से यानी कि सुबह सवेरे से ही लगातार बारिश जारी है। उत्तराखंड के कई जिले बारिश की वजह से प्रभावित हुए हैं। ये बड़ी जानकारी इस वक्त हम आपको दे रहे हैं जहां पर बागेश्वर, चमोली, उत्तरकाशी, देहरादून, टिहरी, रुद्रप्रयाग, अल्मोड़ा इन सभी जगहों पर बारिश जारी है। गढ़वाल से लेकर कुमाऊं तक तेज बारिश हो रही है। चमोली से भी बड़ी खबर है। कर्णप्रयाग की सिमली में भारी बारिश से अतिवृष्टि, कई घरों में घुसा मलबा और पानी, मलबे में गाड़ियां भी दब गई। कल देर रात तक बारिश के बाद क्षेत्र में अतिवृष्टि हुई। किसी भी प्रकार की जनहानि की सूचना अब तक नहीं है और प्रशासन की टीम नुकसान का आकलन करेगी। चमोली से बड़ी खबर है जहां पर कर्णप्रयाग के सिमली में भारी बारिश की वजह से अतिवृष्टि हुई। कई जगहों पर घरों में पानी घुस गया, मलबा घुस गया अतिवृष्टि की वजह से। पानी मलबे में गाड़ियां भी दब गई। किसी प्रकार की जनहानि की अभी तक सूचना नहीं। नितिन सेमवाल हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं इस पर ज्यादा जानकारी और अपडेट के साथ। नितिन, जरा बताइए कि क्या है चमोली में इस वक्त हालात। बताया जा रहा है कि अतिवृष्टि की वजह से बहुत ज्यादा दिक्कतें लोगों को आ रही हैं और जैसे कि आपके पीछे भी हम देख पा रहे हैं कि बहुत तेज बारिश इस वक्त हो रही है। जी निश्चित रूप से अगर बात करें तो चमोली में कल देर रात से लगातार बारिश हो रही है और बारिश से एक और जहां सड़क मार्ग बाधित है तो वही कर्णप्रयाग के सिमली में भारी अतिवृष्टि होने से वहां पे नुकसान हुआ है। कई घरों में और मलबा घुस गया है, गाड़ियां वहां पे दबी हुई हैं और जो सड़क मार्ग है वो भी वहां पे बाधित है। सिमली से जो थराली की तरफ जो सड़क मार्ग जाता है वो बाधित हो चुका है। इसके अलावा लगातार हो रही बारिश से गुलाबकोटी, नंदप्रयाग और छिनका और पागल नाला के आसपास जितने भी बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग के जो महत्वपूर्ण पॉइंट है जहां लगातार मलबा गिरने से मार्ग बाधित हो रहा था वहां पे मार्ग बाधित है और लगातार बारिश की वजह से अभी तक मार्ग को सुचारू करने का काम भी शुरू नहीं हो पाया है। अभी अगले 24 से 36 घंटों की बात करें तो पहाड़ों में इसी तरीके से मौसम बदल सकता है। मौसम विभाग पहले ही पूर्वानुमान जता चुका है तो कई जगहों पर भारी बारिश की चेतावनी भी है। अगर चमोली की बात करें तो जो तराली का क्षेत्र है, जो पोखरी का क्षेत्र है, गैरसैंण और कर्णप्रयाग के जो इलाके हैं इन सभी विकास खंडों में देर रात से लगातार तेज मूसलाधार बारिश हो रही है और ग्रामीण इलाकों को जो जोड़ने वाली सड़कें हैं वो भी कई जगहों पर बाधित है। आधा दर्जन से सड़कें बताई जा रही है कि बाधित चल रही है जहां पर मलबा आने की वजह से जो सड़कें हैं वो बाधित है। तहसील मुख्यालय से सभी गांवों का संपर्क फिलहाल कटा हुआ है। प्रशासन का कहना है कि सभी जगहों पर राहत बचाव कार्य किए जाएंगे, जहां जहां भी नुकसान हुआ है नुकसान का आकलन किया जाएगा और जो तहसील प्रशासन की टीम है उनको मौके पर भेजा जाएगा। जो वहां पे तहसीलदार हैं या SDM हैं उनको भी तत्काल मौके पर भेजने के निर्देश भी चमोली के जिलाधिकारी हिमांशु खुराना ने दिए हैं। जी नितिन बहुत शुक्रिया, आपने विस्तार से जानकारी दी। बागेश्वर के कांडा क्षेत्र में जोशीमठ जैसे हालात बन रहे हैं। घर, आंगन और खेत खलिहान लगातार दरक रहे हैं। कुछ लोग तो गांव छोड़कर चले गए हैं। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। बागेश्वर में कांडा के कन्याल के ग्रामीण हर दिन डर के साए में जीने को मजबूर हैं। गांव के पास खड़िया की खदाने हैं जिसमें बड़ी मशीनों से खनन का काम किया जाता था। लोगों का आरोप है कि खनन के काम से उनके घरों में दरारें पड़ी हैं और बारिश में दरारें और चौड़ी हो रही हैं। इलाका मतलब जाने वाला है, झुकाव हो गया। अन्नपूर्णा से लेके नीचे बजीना तक जो गधेरा है वहां तक ये जगह झुक रही है। कई हर घरों में दरार है, कोई बोलता भी है तो कोई सुनने को तैयार नहीं है। मैं 2009 से अगर आप मेरे कागज देखेंगे तो मैंने हर कापी की फोटो से रखी हुई है। हम तो डर के साए में जी रहे मैडम और ये जो है जमीन हमारी बहती लगातार बहती रह रही है। आप पहले से ऐसा होता तो हम यहाँ पर मकान ही क्यों बनाते। जब से खड़िया खान खुली है, जब से ये मशीनें चली इसी की वजह से ये दरारें पड़ी हैं और इसीलिए ये जमीन बैठ रही है, हर साल बैठती है। कांडा में खड़िया खनन का काम अभी बंद है लेकिन पहले हुए काम
जैसे प्राचीन कालिका मंदिर भी खतरे की जद में है। गांव वालों का कहना है कि गांव के हालात के बारे में कई बार प्रशासन को जानकारी दी गई, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। वहीं प्रशासन सर्वे के बाद काम करने की बात कर रहा है। सुरक्षा के दृष्टिगत उस क्षेत्र में माइनिंग को बंद करा दिया गया है और वर्तमान में भी माइनिंग बंद ही है, क्योंकि मकान में जो दरारें आ रही हैं उसकी हम दोबारा से जांच करा रहे हैं बोर वालों से कि दरारें बढ़ रही हैं कम हो रही हैं, तो जैसी जांच रिपोर्ट आएगी उसी के अनुरूप आगे कार्रवाई। कांडा में खड़िया खनन की वजह से लोगों के घरों में बड़ी बड़ी दरारें आई हैं, इसके साथ ही खेतों में भूस्खलन भी हो रहा है। ऐसे में गाँव वाले खौफ के साए में रहने को मजबूर हैं। न्यूज 18 के लिए बागेश्वर से सुष्मिता थापा की रिपोर्ट। सीएम पुष्कर सिंह धामी आज मसूरी के दौरे पर रहेंगे, जहां पर मसूरी गोलीकांड की 30वीं बरसी पर शहीद राज्य आंदोलनकारियों को श्रद्धांजलि देंगे। आपको बता दें सितंबर 1994 को मसूरी गोलीकांड हुआ था, जिसमें 6 राज्य आंदोलनकारी शहीद हुए थे। उत्तराखंड में ठोस भू कानून और मूल निवास प्रमाण पत्र का मुद्दा गर्माता जा रहा है। रविवार को ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण में यूकेडी समेत विभिन्न संगठनों ने प्रदर्शन किया, तो अस्थायी राजधानी देहरादून में बीजेपी और कांग्रेस के बीच एक बार फिर जुबानी जंग छिड़ गई है। उत्तराखंड में ठोस भू कानून की मांग जितनी पुरानी है, उतना ही पुराना मूल निवास प्रमाण पत्र का मुद्दा भी है। उत्तराखंड में मूल निवास प्रमाण पत्र की जगह स्थायी निवास प्रमाण पत्र दिया जाता है। उत्तराखंड में लंबे समय से हिमाचल की तर्ज पर ठोस भू कानून बनाने की मांग उठ रही है। आंदोलनकारी इसके लिए बीजेपी और कांग्रेस दोनों दलों को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। उनका कहना है कि दोनों ही मुद्दों पर स्पष्ट नीति ना होने के कारण प्रदेश के जल जंगल जमीन पर बाहरी लोगों का कब्जा होता जा रहा है। रविवार को गैरसैंण में धरना प्रदर्शन और रैली निकालकर विरोध जताया गया, और हमने मांग करी है कि अविलंब उत्तराखंड के परिस्थिति को देखते हुए सरकार सख्त भू कानून लागू करे, मूल निवास लागू करे और राजधानी गैरसैंण घोषित करे, क्योंकि यदि ये नहीं होगा तो उत्तराखंड के साथ में बहुत बड़ा धोखा हो रहा है। ये जमीनें बाहर से आने वाले माफिया उन जमीनों को कब्जा कर रहे हैं। लोग समझ चुके हैं जो मूल निवासी यहाँ के हैं उनकी नौकरियों पर कब्जे हो रहे हैं। लोगों का सपना था अपनी राजधानी गैरसैंण होगी, वो सपना भी आज अधूरा है। धरना प्रदर्शन भले ही गैरसैंण में हुआ हो, लेकिन सियासत देहरादून में भी गर्म रही। कांग्रेस ने कहा कि मूल निवास और भू कानून जैसे ज्वलंत मुद्दों पर कोई ठोस नीति ना बना पाने के लिए बीजेपी जिम्मेदार है, तो बीजेपी ने पलटवार कर कांग्रेस को ही समस्या की असली जड़ बता दिया। वर्तमान भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने ओपन फॉर ऑल करके सबके लिए खोलकर भू कानून समाप्त करके निश्चित रूप से इस राज्य के मूल निवास करने वाले लोगों के भावनाओं पर कुठाराघात करने का काम किया। हमारी मांग है कि हिमाचल से भी कठोर भू कानून यहाँ पर लागू होना चाहिए। कांग्रेस इस पर प्रदर्शन नहीं कर रही है, कांग्रेस इस प्रदर्शन में घुस रही है। कांग्रेस चाहती है कि उस मुद्दे को लपक के फिर आगे चल के चुनाव में उसका इस्तेमाल करें, नहीं तो इस पर तो पूरा जो हमारा यूथ है और क्षेत्र के लोग है वो आंदोलित है। आपने देहरादून में भी एक बानगी उसका दृश्य देखा है। भू कानून और मूल निवास के मुद्दे पर सरकार भी पसोपेश में है। भू कानून के लिए बनाई गई कमेटी सितंबर 2022 में अपनी रिपोर्ट शासन को सबमिट कर चुकी है। भू कानून पर मिली इस रिपोर्ट और मूल निवास प्रमाण पत्र के परीक्षण के लिए मुख्यमंत्री ने दिसंबर 2023 में सचिवों की एक प्रारूप समिति भी गठित की, लेकिन समिति की रिपोर्ट आज तक बाहर नहीं आ पाई, लिहाजा मूल निवास और भू कानून का मुद्दा आज भी गर्माया हुआ है। न्यूज 18 के लिए देहरादून से सुनील नवप्रभात की रिपोर्ट।
सोमवती अमावस्या पर आज श्रद्धालु गंगा में आस्था की डुबकी लगा रखे हैं। सोमवती अमावस्या के अवसर पर गंगा नदी में स्नान करते हैं और उसके बाद पितरों के लिए जल तर्पण करते हैं। तर्पण करने से पितर प्रसन्न होते हैं, पितर खुश हो जाते हैं तो पितरी दोष दूर होता है। आपको बता दें, सोमवती अमावस्या का पावन पर्व शिव योग में है। इस दिन स्नान और दान करने से पुण्य की प्राप्ति होती है। हर की पैड़ी पर गंगा स्नान के लिए श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। सोमवती अमावस्या पुलिस प्रशासन ने किए सुरक्षा के इंतजाम। मेला जोन को 14 जोन और 39 सेक्टर में बांटा गया है। पुलकित एक बार फिर हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ। पुलकित, जरा दिखाइए हर की पैड़ी पर किस तरह की रौनक है आज, क्योंकि आज सोमवती अमावस्या पर गंगा स्नान का खास महत्व है। जी, हर की पैड़ी पर मैं इस वक्त मौजूद हूं और सोमवती अमावस्या के अवसर पर यहां पर अच्छी खासी हर की पैड़ी पर रौनक श्रद्धालुओं की नजर आ रही है। सुबह 4 बजे से श्रद्धालुओं के हर की पैड़ी पर पहुंचने का सिलसिला जारी है और यहां पर श्रद्धालु दूर दूर से पहुंचकर गंगा में आस्था की डुबकी लगा रहे हैं, क्योंकि सोमवती अमावस्या पर गंगा स्नान करने का विशेष महत्व होता है। इससे पितरों के निमित्त लोग गंगा स्नान करने के बाद तर्पण करते हैं। पितरों के लिए ये स्नान विशेष तौर पर किया जाता है। उसके अलावा जो विवाहित महिलाएं होती हैं वो अपने पति की दीर्घायु की कामना के लिए इसमें जो है व्रत करती है, गंगा स्नान करती है, तो कई विशेष महत्व इस गंगा स्नान के बताए गए हैं शास्त्रों में। उसी के लिए दूर दूर से श्रद्धालु यहाँ पर पहुंचते हैं। यहाँ पर कल शाम से ही ट्रैफिक का दबाव बढ़ना शुरू हो गया था, इसलिए ट्रैफिक प्लान भी पुलिस की ओर से लागू किया गया है। उसके अलावा सुरक्षा व्यवस्था के व्यापक इंतजाम यहाँ पर गंगा स्नान के लिए किए गए हैं। पूरे मेला जोन को 14 जोन में और 39 सेक्टर में मेला क्षेत्र को बांटा गया है, ताकि सुरक्षा व्यवस्था में किसी भी तरह की कोई चूक ना हो, श्रद्धालु पूरी तरह से उन्हें किसी तरह की कोई असुविधा ना हो और पूरी सुविधाजनक ढंग से यहां से श्रद्धालु स्नान करके लौट सके। सुबह 4 बजे से श्रद्धालुओं के स्नान करने का सिलसिला यहां पर जारी है, क्योंकि सोमवती अमावस्या पर स्नान करने से जो है विशेष पुण्य फल की प्राप्ति होती है। इसी पुण्य को कमाने के लिए जो श्रद्धालु है वो दूर दूर से यहाँ पर पहुंच रहे हैं और किसी भी तरह की जो सुरक्षा व्यवस्था के जो इंतजाम है, अच्छी खासी संख्या में यहाँ पर पुलिस बल की तैनाती यहाँ पर की गई है। पीएससी के जवान यहाँ पर लगाए गए हैं, डॉग स्क्वाड यहाँ पर लगाया गया है। उसके अलावा जल पुलिस के जवानों की तैनाती की गई है, क्योंकि देखने में आता है कि अक्सर गंगा स्नान करने के दौरान जब बहुत ज्यादा भीड़भाड़ होती है गंगा घाटों पर, तो कुछ श्रद्धालु जो है वो लापरवाही बरतते हैं और गंगा में डूबने लगते हैं, तो उनको बचाने के लिए जो यहाँ पर जल पुलिस के जवानों की तैनाती यहाँ पर की गई है। तो स्नान यहाँ पर बहुत ही अच्छे ढंग से सुबह से चल रहा है और श्रद्धालु भी पूरे मजे आनंद के साथ यहाँ पर गंगा में स्नान कर रहे हैं और पूरी तरह से पुण्य की डुबकी यहाँ पर लगा रहे हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया पुलकित आपका तमाम जानकारी के लिए। आगे बढ़ते हैं और अगली खबर की बात करते हैं। उत्तरकाशी में बड़कोट के कृष्ण गांव के पास कई बार तेंदुआ दिखने से क्षेत्र में दहशत का माहौल है। अस्तित्व पेट्रोल पंप कृष्णा गांव के सीसीटीवी कैमरे में तेंदुए की चदमी कैद हुई है। तेंदुआ अंधेरे में छिपा हुआ था। पेट्रोल पंप कर्मी कुछ देर पहले ही कमरे में जाता है और उसके जाते ही तेंदुआ सीसीटीवी में नजर आया। उत्तराखंड में हर कहीं पर पहाड़ से लेकर मैदान तक गुलदार का आतंक आम बात हो गई है, लेकिन अगर हम कहें कि उत्तराखंड में गुलदार से ज्यादा इंसानी मौतें सांपों के काटने से होती है तो आप यकीन नहीं करेंगे, लेकिन वन विभाग का रिकॉर्ड तो यही कहता है। देखिए, उत्तराखंड में गुलदार, हाथी, भालू जैसे जंगली जानवरों का आतंक आम बात है, लेकिन इनसे भी ज्यादा खतरनाक साबित हो रहे हैं सांप। वन विभाग का रिकॉर्ड बताता है कि पिछले 5 साल में गुलदार के हमलों में 103 लोगों की मौत हुई और 459 लोग घायल हुए, जबकि सांप के काटने से 118 लोगों की मौत हुई और 460 लोग घायल हुए। वहीं अब समस्या ये है कि सर्प दंश की घटनाएं कैसे रोकी जाएं? इससे परेशान वन विभाग ने अब नया तरीका अपनाया है। वन विभाग ने सर्प दंश के लिहाज से संवेदनशील प्रदेश के 12 डिवीजनों की 55 चौकियों में एंटी वेनम इंजेक्शन रखवा दिए हैं। सांप के काटने की स्थिति में मरीज को तत्काल एंटी वेनम इंजेक्शन दिया जा सके। इंजेक्शन की खासियत ये है कि ये पाउडर फॉर्म में है, इसके लिए फ्रिज की आवश्यकता नहीं। ये सबसे जहरीले 4 सांपों कोबरा, कॉमन क्रे, रसेल वाइपर और सार स्केल्ड वाइपर के काटने की दवा का काम करता है।
उत्तराखंड में इन्हीं चार सांपों के काटने से सबसे ज्यादा मौतें होती हैं। हमने वन विभाग के जो संवेदनशील प्रभाग है उनमें अनेक स्थानों पर ये एंटी वेनम उपलब्ध कराया है कि आवश्यकता पड़ने पर तत्काल ये अगर किसी वनकर्मी को जरूरत हो तो उनको उपलब्ध हो सके, और साथ ही साथ आम जनता की सुविधा को देखते हुए भी कि अगर किसी के साथ ऐसी दुर्घटना होती है कि कोई सांप के द्वारा अगर काटे जाने की घटना होती है तो जो भी उसका जो पीड़ित व्यक्ति है उसको तुरंत बिना किसी परेशानी के दवा उपलब्ध हो जाए। मानसून सीजन में सांप के काटने की घटनाएं तेजी से बढ़ जाती हैं, क्योंकि इन दिनों बिलों में पानी घुसने के कारण सांप सुरक्षित जगह के लिए बिल से बाहर निकल आते हैं। अब तक सैकड़ों सांपों का रेस्क्यू कर चुके रेस्क्यूअर अरशद खान का कहना है कि सांप के काटने की सूरत में शुरुआती आधा एक घंटा महत्वपूर्ण होता है। अगर इस टाइम पीरियड में पेशेंट को एंटी वेनम इंजेक्शन दे दिया जाए तो उसकी जान बच सकती है। देखिए, बिग फोर का कोई भी सांप चारों में कोई भी काटे तो पहला आवर सबसे गोल्डन आवर होता है। जितनी जल्दी आप हॉस्पिटल पहुंचे उतना जल्दी आपको एंटी वेनम मिलेगा तो बचने का, लेकिन जितना आप टाइम लगाते जाएंगे, एक्चुअली क्या होता है ना, बहुत कोई सांप के बारे में नहीं जानते तो वो डर के कारण ही उनके शरीर का बॉडी में खून ज्यादा सर्कुलेट करता है, उस वजह से वेनम जल्दी फैलता है और उसी वजह से मौतें होने का ये हो जाता है। और दूसरा, ये तांत्रिक ओझा ओझा के पास जाने के चक्कर में झाड़ फूक में आदमी लोग जान गंवाते हैं ज्यादातर। उत्तराखंड में 2021 और 2022 दो ऐसे साल रहे जब सांप के काटने से सबसे ज्यादा 30-30 लोगों की मौत हुई और 234 लोग घायल हुए। इस साल भी अभी तक 14 लोगों की सांप के काटने से मौत हो चुकी है। लिहाजा इस मौसम में खास तौर पर सतर्क रहें। अस्पताल दूर होने की स्थिति में सांप के काटने की घटना होने पर नजदीकी फॉरेस्ट चौकी से मदद ले सकते हैं। न्यूज 18 के लिए देहरादून से सुनील नवप्रभात की रिपोर्ट। चमोली के नंदप्रयाग क्षेत्र में नाबालिग लड़की से छेड़खानी करने वाले आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने आरोपी आरिफ को यूपी के बिजनौर से गिरफ्तार किया। आपको बता दें कि एक समुदाय विशेष के लड़के पर नाबालिग लड़की से छेड़खानी करने का आरोप लगाया है, जिस पर पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। पूरा मामला 22 अगस्त का है। बताया जा रहा है कि जब नाबालिग लड़की से लड़के ने छेड़खानी की तो वो फरार हो गया। घर वालों को जब इस घटना के बारे में पता चला तो उन्होंने शनिवार को थाना नंदा नगर में लिखित शिकायत दर्ज कराई। सीएम धामी ने मामले में सख्ती के आदेश दिए हैं, जिसके फौरन बाद एक्शन हुआ और आरोपी की गिरफ्तारी हुई। चमोली में नाबालिग लड़की के साथ छेड़खानी की घटना पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा है कि नारी अस्मिता और सम्मान हमारे लिए सदैव सर्वोपरि है और किसी भी महिला के साथ, बेटी के साथ होने वाली अप्रिय घटना की हम निंदा करते हैं और कानून दोषी को सजा देगा। देवभूमि में इस तरह की घटनाओं को बर्दाश्त नहीं किया जा सकता है। बीजेपी नेता और नैनीताल दुग्ध संघ के अध्यक्ष मुकेश बोरा पर बड़ा आरोप लगा है। मुकेश बोरा के खिलाफ एक महिला ने यौन शोषण का मुकदमा दर्ज कराया। आरोप लगाने वाली महिला लालकुआ डेयरी प्लांट में डेली वेज कर्मचारी है। महिला का आरोप है कि साल 2020 में उसके पति की मृत्यु हो गई थी, जिसके बाद उसे नौकरी की जरूरत थी। इसी वजह से उसकी मुलाकात साल 2021 में मुकेश बोरा से हुई। मुकेश बोरा ने उसे परमानेंट नौकरी दिलाने का झांसा देकर पहले डेली वेज कर्मचारी बनाया और फिर अपने वादे से मुकर गया और इस बीच महिला का यौन शोषण भी करता रहा। पुलिस अब पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है। जल्द ही आरोपी दुग्ध संघ अध्यक्ष मुकेश बोरा की गिरफ्तारी हो सकती है। तो मुझे नौकरी की जरूरत थी बच्चों की वजह से, क्योंकि मेरे बच्चे बहुत छोटे छोटे हैं तो उनके पालन पोषण के लिए मुझे जाहिर सी बात है चाहिए था कुछ भरण पोषण कैसे हो। तो उस सिलसिले में मैं इनके पास गई 2021 में। मेरी यहाँ इन्होंने कामगार के लिए मतलब यहाँ मैं उसमें लगी कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे। उसके बाद धीरे धीरे ये मेरे साथ नज़दीकियाँ बढ़ाने लग गई, ये वो सब चीज़ें जो भी चली। तो फिर उसके बाद धीरे धीरे इन्होंने इतना मुझे परेशान, इतना टॉर्चर करने लग गए, इतना कर रहा कि मतलब मेरा शारीरिक मानसिक दोनों तरीके से मेरा शोषण हुआ है।
लालकुआ थाने में एक महिला के द्वारा शिकायत दी थी, जिसमें मुकेश बोरा नाम के व्यक्ति द्वारा बलात्कार करने और उसको धमकाने का मामला संज्ञान में आया था। इसमें पुलिस ने FIR रजिस्टर कर लिए और जो महिला की शिकायत उसके हिसाब से विवेचना शुरू हो गई। जैसे विवेचना में तथ्य आएंगे उसके हिसाब से पुलिस आगे कार्रवाई करेगी। वहीं आरोपी मुकेश बोरा के खिलाफ एक्शन शुरू हो गया है। UCDF यानी कि उत्तराखंड सहकारी डेयरी फेडरेशन के प्रशासक पद से मुकेश बोरा को हटा दिया गया है। मुकेश बोरा पर डेयरी प्लांट में काम करने वाली महिला ने यौन शोषण के आरोप लगाए हैं और पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। हरिद्वार में ज्वेलरी शोरूम में दिन दहाड़े डकैती की वारदात होने से हड़कंप मच गया और बताया जा रहा है कि दोपहर करीब 1:30 बजे रानीपुर मोड़ पर बालाजी ज्वेलर्स पर 5 हथियारबंद बदमाशों ने धावा बोल दिया। बदमाशों ने शोरूम के स्टाफ और वहां पर मौजूद लोगों पर मिर्च वाला स्प्रे डाला और उसके बाद तमंचे से फायरिंग करते हुए डकैती की। बदमाश शोरूम से करीब 5 करोड़ की ज्वेलरी लेकर फरार हो गए। वहीं स्थानीय लोगों और ज्वेलर्स कारोबारी में पुलिस की कार्यशैली को लेकर नाराजगी है। वहीं पुलिस ने जल्द बदमाशों को पकड़ने की बात कही है। मोटरसाइकिल पर थे, मैंने उनके पीछे भगाई मोटरसाइकिल तो आर्य नगर चौक तक मैंने उनका पीछा किया। कहाँ का नंबर था गाड़ी का? नंबर हरियाणा का था, हरियाणा HR 71D 9150। 5-6 लोग अंदर घुसे शोरूम में, उन्होंने मिर्ची वाला स्प्रे करके इनको परेशान करके और फायर भी किया है। ये तो भगवान का शुक्र है कि उनकी किसी की जान नहीं गई है, लेकिन पूरा शोरूम खाली कर दिया है। और इस तरह की घटना हरिद्वार में पहले भी हो चुकी है। एक डकैती की घटना हुई है जिसमें 5 हथियारबंद लोगों द्वारा यहाँ पर आके एक ज्वेलरी शॉप में उसके डकैती की घटना करी है, जिसमें करीब 5 करोड़ के आसपास जो अभी ओनर्स द्वारा बताया गया है डकैती की गई है, उसका भी हम लोग और वेयरबॉट्स पता लग रहे हैं और जल्दी ही इसमें हम लोगों के द्वारा इस पर कार्रवाई करी जाएगी, सख्त कार्रवाई इसमें की जाएगी। उत्तरकाशी से बड़ी खबर आ रही है। यमुनोत्री हाईवे डाबरकोट के पास पहाड़ी से मलबा और पत्थर आने से बंद हो गया है। हाईवे पर सुबह से फंसे हुए हैं यात्री। लोनोवी NH की मशीन मौके पर मौजूद है। और अब एक नजर पहाड़ की 10 बड़ी खबरों पर। कटीमा गोलीकांड की बरसी पर अल्मोड़ा के गांधी पार्क में कई आंदोलनकारियों ने शहीदों को श्रद्धांजलि दी और शहीदों को याद किया। टिहरी में खटीमा गोलीकांड की 30वीं बरसी पर नई टिहरी युद्ध स्मारक पर राज्य आंदोलनकारियों ने शहीदों को श्रद्धांजलि दी और राज्य हित में अपने कर्तव्यों का ईमानदारी से पालन करने का संकल्प लिया। रुद्रप्रयाग में मुख्य विकास अधिकारी ने बैठक की, जिसमें केंद्र और राज्य सरकार की स्वरोजगार से जुड़ी योजनाओं को लोगों तक ज्यादा से ज्यादा पहुंचाने पर जोर दिया। टिहरी में BJP सदस्यता अभियान संयुक्त मोर्चा कार्यशाला का आयोजन हुआ, जिसमें प्रदेश उपाध्यक्ष कुलदीप कुमार और महिला मोर्चे की प्रदेश महामंत्री गीता रावत ने शिरकत की। टिहरी में कंपनी के कर्मचारियों ने प्रदर्शन किया और ठेकेदार पर मनमानी करने का आरोप लगाया। अल्मोड़ा के वैभव कांडपाल PCS 2021 के मुख्य परीक्षा में राज्य में दूसरा नंबर हासिल किया, परिवार वाले खुश। उत्तराखंड हाईकोर्ट के जज पौड़ी के GB पंत इंजीनियरिंग कॉलेज घुड़दौड़ी के बहुउद्देश्य शिविर में पहुंचे, जहां पर नुक्कड़ नाटक के जरिए महिला अपराध घरेलू हिंसा के प्रति लोगों को जागरूक किया गया। जोशीमठ से लेकर मारवाड़ी पुल तक बद्रीनाथ हाईवे डबल लेन बनाने का काम शुरू हो गया है। अल्मोड़ा में भिकियासैंण के एक दर्जनों गांव को मुख्यमंत्री पलायन रोको योजना के पायलट प्रोजेक्ट के रूप में जोड़ा गया है।